सपना रुक भैया नहीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और भोजपुरी एक्ट्रेस सपना गिल इस वक्त क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की वजह से जबरदस्त सुर्खियों में बनी हुई हैं। आपको बता दें, उनका और पृथ्वी शॉ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें क्रिकेटर और सपना के बीच हाथापाई होते हुए दिख रही है। इसके बाद पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों ने सपना गिल पर मारपीट का और जबरन वसूली का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए सपना को अरेस्ट कर जेल में डाल दिया। जिसके बाद तो सपना बेल पर छूट गई। जेल से बाहर आने के बाद सपना ने पृथ्वी शॉ पर कई गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में पृथ्वी शॉ की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि ताजा जानकारी के मुताबिक सपना गिल के वकील ने दावा किया है कि उनके पास एक ऐसी वीडियो है जिसमें पृथ्वी शॉ की बदतमीजी एक्सपोज हो जाएगी और यह वीडियो डायरेक्ट कोर्ट में ही दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि सपना के वकील ने एक निजी चैनल से बातचीत करने के दौरान कहा, सपना गिल के पास एक ऐसा वीडियो है जिसे वह अभी बाहर नहीं देना चाहती। मैंने भी उसे बोला है कि अभी बाहर मत दीजिए। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पृथ्वी शॉ शोभित फोन लेकर खींच रहा है और फेंक रहा है। यह वीडियो बाहर आएगा तो पृथ्वी शॉ की और भी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। अगर सपना को फेम का शौक होता तो वह यह वीडियो बाहर रिलीज कर देती। सपना को मैंने अब तक 10 बार बोला है कि अब वीडियो कोर्ट में बतौर सबूत के तौर पर दिखाना है। वहीं सपना ने भी बयान दिया। उन्होंने आपस में समझौता वाली बात पर अपनी राय रखी और कहा, मैंने यह प्लान करके नहीं किया क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी कि वह कौन है। अब इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि यह सब मैंने सहा है। मुझे पता है कि मेरे और मेरे परिवार पर क्या बीती है, मेरी पूरी लाइफ खराब करके रख दी है। समझौता का तो सवाल ही नहीं उठता है। वेल, अब देखना ये होगा कि सपना और पृथ्वी शॉ की यह कानूनी लड़ाई कौन सा नया मोड़ लेती है और इस बात में कितनी सच्चाई है कि सपना कितनी सही है और पृथ्वी शॉ कितने सही है या फिर गलत है, यह तो कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें JBT लाइव के साथ।